फ्रेंड, बेसिकली हमारा काम ये होता है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर हम आप तक लेके आएँ तो उसको पहले हम टेस्ट करते हैं, उसमें चेकआउट करते हैं कि उसमें कितना स्कैम है, कौन सी चीज़ उसकी रियलिटी है, उसमें एड्स चलते हैं, कितनी उसकी स्पेसिफिकेशंस है, और अगर आप अपने मोबाइल में उसको इंस्टॉल करते हैं तो कौन से बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं, कौन से नुकसान आपको हो सकते हैं। ईच एंड एवरी थिंग वेरीफाई करने के बाद ही हम कोई भी एप्लीकेशन आप तक लेके आते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें आज की इस वीडियो की, तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं पांच ऐसे एप्लीकेशन जिसको अगर आप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में तो आपका मोबाइल जो है बहुत ही अच्छा लुक वाइज नज़र आएगा, बहुत ही अच्छे यूनिक वे में आप अपने काम को, डेली एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप अपने डेली बेसिस के काम कर सकते हैं। तो इन एप्लीकेशंस के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना पड़ेगा। मेरा नाम है अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहली एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो वो है प्लेन एप्लीकेशन। प्लेन ऐप क्या करता है, वो जस्ट आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसका यूआरएल अपने पीसी में देना है। देने के बाद जैसे ही आप उसको गो करवाएंगे तो आपके मोबाइल का जितना फाइल मैनेजर का डेटा है, वो चाहे पिक्चर हो, वीडियो हो, मूवीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो आपके लैपटॉप में आप उसको व्यू कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप इस एप्लीकेशन के थ्रू पीसी में देख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल और यूनिक एप्लीकेशन है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर दूसरे एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास आता है अलार्म। अलार्म में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेथड से हमको जगाया जाता है। यहाँ पे आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब कहीं जा रहे हैं, कितना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट किया, ईच एंड एवरी थिंग आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर मिल सकता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और बाद में आपने अपनी तमाम डिटेल्स दे देनी है। इस टाइम मैंने यहाँ पे जाना है, इस टाइम मैंने सोना है, इस टाइम मैंने खाना खाना है, इस टाइम मैंने ये करना है, तो ये उसी हिसाब से आपके साथ चलना शुरू हो जाता है। और फ्रेंड्स, इस शेड्यूल के हिसाब से ये डिटेक्ट करता है उस परफॉर्मेंस को, किस टाइम आप सो रहे हैं, किस टाइम आप क्या कर रहे हैं। तो इसमें लोला बेबीज की एक जो है वो रिंगटून भी है। जब आप सोए होते हैं तो बहुत धीमी आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता आपको उठाया जाता है, और जब आप उठते हैं तो आपके सामने एक पजल्स गेम आती है जिसको सॉल्व करते हैं आप, उसके बाद ये अलार्म जो है वो ख़त्म होता है। इससे ये होता है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उठाता है। इसके डिसएडवांटेजेस ये होते थे कि एक हार्ट का पेशेंट है और वो अगर ऐसे अलार्म जो हैं वो बजते हैं तो उसको हार्ट का भी इशू हो सकता था। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसके टूल्स निकाले हुए हैं, डिफरेंट मेथड के साथ आपको समझा जाता है, समझने के बाद आपको उस रेंज में उठाया जाता है कि आप कितनी कैपेसिटी के ऊपर कौन सी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक टूल है, आप इसको लाजमी यूज़ कीजिएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, ये है पाई लॉन्चर। अगर आपका मोबाइल जो है उसकी स्पेसिफिकेशंस कम है और बहुत ही स्लो चलता है, एक लोएस्ट जो है आपका स्मार्टफोन्स है, तो उसमें आप पाई लॉन्चर को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आप अपने जो प्रोग्राम्स हैं उसको डायरेक्टली आप असेस कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपके सामने वो ओपन होंगे। बाज़ बात ये होता है कि लॉन्चर जो होते हैं बहुत हैवी होते हैं और आपके मोबाइल को हैंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसके जो है वो कैपेसिटी होती है, बैटरी कंज्यूम जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पाई लॉन्चर बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए अगर आप इसको यूज़ करते हैं अपने सेलफोन्स में और अगर आपकी स्पेसिफिकेशन जो है वो बहुत कम है। तो ये भी बहुत ही यूनिक टूल है, आप इसको लाजमी यूज कीजिए। फ्रेंड, नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन की बात करें तो आता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की एआई कीबोर्ड के साथ। और दोस्तों, इट इज कंप्लीट इंटेलिजेंटली, ये बहुत ही स्मूथ वेज में काम करता है और इतनी ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है कि मैं खुद इसको यूज़ करने के बाद शॉक्ड में आ गया। यहाँ पे फ्रेंड, जो कीबोर्ड है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप टाइप कर रहे हैं तो उसके बाद आपके माइंड के हिसाब से जो भी आपने नेक्स्ट कीवर्ड उसमें ऐड करना है वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। तीन ऑप्शंस आपको देगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में आपको मिल जाएगा कि आपने नेक्स्ट वर्ड कौन सा ऐड करना, वो चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई और लैंग्वेज हो। और फ्रेंड्स, ये प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और ग्रेटेस्ट फीचर्स वाला एप्लीकेशन। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की कि ये किन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, तो इसमें आप 700 प्लस यानी कि 700 प्लस लैंग्वेजेस का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशंस के। और फ्रेंड्स, ये जितनी भी एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये टोटली एड्स फ्री हैं
और वायरस फ्री है, इसके अलावा नीट एंड क्लीन है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और स्पेस लेवल भी इतना कम है और उतनी ही इसकी जो है वो स्मूथनेस है और बहुत ही ग्रेटफुल और ज़बरदस्त फीचर्स हैं। फ्रेंड यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टे करते हैं और एक चीज़ आपने करनी है जो कि सब्सक्राइब का बटन है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की ऐसी ही वीडियोस आप तक नेक्स्ट भी आती रहें। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एप्लीकेशंस के रिलेटेड वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड आप तक डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस हम लाते रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।